ग्रेप में पिल के कलर के बेसिस पर दो तरह की वेराइटीज होती है, एक ऐसी वेराइटीज जिनके अंदर पिल का कलर ग्रीन होता है और एक ऐसी वेराइटीज जिनके अंदर पिल का कलर रेड होता है। ग्रीन पिल वाली वेराइटीज मेनली टेबल पर्पज और रेजिन पर्पज यानी कि प्रोसेसिंग के काम में ली जाती है। जो रेड कलर की वेराइटीज होती है वो दो तरह की होती है, एक ऐसी वेराइटीज होती है जिनके अंदर छिलका तो रेड होता है लेकिन अंदर से पल्प कैसा होता है येलो कलर का होता है, वो भी शराब बनाने के काम में ली जाती है, वाइन प्रोसेसिंग के काम में ली जाती है, टेबल पर्पज के काम में ली जाती है और जूस बनाने के काम में ली जाती है। एक अंगूर में इस तरह की वेराइटीज होती है जिनके अंदर पिल का कलर रेड होता है और पल्प का कलर भी रेड होता है, उन वेराइटीज को टेंटूरियर वेराइटीज बोल दिया जाता है। ये वेराइटीज मेनली वाइन प्रोसेसिंग के काम में ली जाती है, जो रेड वाइन बनाई जाती है ये इन्हीं वेराइटीज से बनाई जाती है। ग्रेप में रेड कलर की बात करें तो ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है और पल्प के अंदर येलोविश कलर होता है ये पूछ लिया जाए तो ये ल्यूटिन की वजह से।